ये निधि है मान सम्मान की, कृषकों के कल्याण की, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यानी पीएम किसान पूरे देश में फैला रही है किसान परिवारों की इस खुशहाली को। साथियों, हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी उन्नति होगी तो पूरे राष्ट्र की उन्नति तय है। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकता है। एक बार फिर से करोड़ों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत प्रत्येक भुजोधारी किसान परिवार को हर 4 महीने पर 2,000 रुपए की सम्मान निधि सीधे उसके बैंक में जमा की जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की खेती संबंधी जरूरतों को पूरा करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। मैं अन्नीटिकी संतोषंगा देचुकुंटुन्नम मंचिगा वस्तुन्नायि माकु। पीएम किसान एक खूब फायदेची योजना है। इस योजना के बाद साहूकार से कोई कर्ज नहीं लेना पड़ रहा। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना से जो मेरे को 6,000 रुपए सालाना के मिलते हैं, उससे मैं बहुत खुश हूँ। माकु इप्पुडु कूडा पीएम किसान वाला कष्टालकु अप्पुलु लेवु। मैंने 6,000 मिलगा, ये बहुत खुशी का काम जब आज। आज देश में ये कारमा बढ़ता हुआ पीएम किसान के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों तक पहुंच गया है और अब तक 1,15,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि सीधे किसानों के खातों में जमा हो चुकी है। पीएम किसान विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना है। योजना में 100% खर्च का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। लाभार्थी किसानों की पहचान की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस काम को तेज, आसान और पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल www.pmkisan.gov.in का संचालन किया जा रहा है। इस सुविधा के कारण लाखों किसानों के बैंक खाते में सम्मान निधि पहुंच जाती है। किसानों की शंकाओं और शिकायतों के तुरंत और प्रभावी समाधान के लिए भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। हेल्पलाइन नंबर है 1-55-261। ये सेवा 2400 घंटे और 365 दिन उपलब्ध रहती है। भारत सरकार ने पीएम किसान के नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे किसानों को अनेक सुविधाएं भी मिल रही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9.5 करोड़ से ज्यादा अन्नदाताओं के खातों में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है।